हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एफएल स्टूडियो 20.1 के अंदर आपको बताऊंगा कि जो हम अपने पियानो रोल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर कैसे कैसे हम अपनी साउंड्स को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम कैसे कैसे इक्वलाइज़र और प्लगइन का यूज़ करते हैं वो बताऊँगा। और बाकी ये जितना भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, मैंने सभी की एक एक चीज़ पूरी वीडियो के अंदर दिखाई है, बताई है कैसे यूज़ करते हैं। और पिछली वीडियो के अंदर ये जो आप देख रहे हो पैटर्न 11, इसके अंदर हमने स्नेयर यूज़ किया है, तो स्नेयर के बारे में बताया था कि कैसे हम बना सकते हैं, क्लैप, हिट हैट्स, ये सब बताया, सब अलग अलग कैसे आप बना सकते हो, अपना पैड कैसे बना सकते हो और ब्रास कैसे बना सकते हो, इस सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर एक एक चीज़ बना बना के बताई है। तो आप जुड़े रहें, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि ये जो आप सुने इसको थोड़ा और कैसे निखार सकते हैं हम। ठीक है, तो हम जाएंगे इसी के ड्रीम बेल्स के अंदर। तो आप ये देख रहे हो, ये साउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब कुछ आप देख रहे होंगे, लेंथी लग रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम सुनेंगे और इसे चेंज करेंगे थोड़ा सा, फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मेरे हेडफोन्स के अंदर लेफ़्ट राइट साउंड के अंदर कुछ प्लक्स बज रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के साउंड पैदा हो रही है, जो गूंज रही है, डिले बन रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा लेट में प्ले हो रही है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसा साउंड मुझे चाहिए था ताकि गाने के अंदर म्यूज़िक में थोड़ा भरा भरा सा रहे, ठीक है। और थोड़ी सी तिक्खी साउंड चाहिए थी, क्योंकि जब हम किसी मोबाइल के अंदर अपने सॉन्ग को प्ले करेंगे तो वहाँ पर वो साउंड निकलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसीज ही ज़्यादा होती है, बहुत छोटे स्पीकर्स होते हैं और मोनो स्पीकर्स होते हैं, तो हमें उनके लिए बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ जो अच्छा लगे। तो चलिए थोड़ा और चेंजेस देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। ये बदल के देखते हैं, यही ठीक है। इसे छोड़ देते हैं, हम यहाँ से पैनिंग एफएक्स यूज करके देखते हैं। ओके, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। 6 नंबर के अंदर EQ और रिवर्ब हमने पहले से दिया हुआ है। अगर मैं इसका लो कट करूं, चलो ठीक है अभी, और रिवर्ब थोड़ा कम करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी भूल गया था क्या क्या काम किया है मैंने इसके अंदर। अब इसमें एक दिक्कत हो रही है, जो लेफ्ट राइट ये जो साउंड बज रही है ना, कुछ ज़्यादा ही इरिटेट करने लगी है। इसको एक और पैटर्न में डालता हूँ और इसका मैं क्लोन बनाता हूँ। कुछ अभी और एक साउंड की ज़रूरत लग रही है मेरे को, और अब इसकी साउंड को मैं चेंज कर देता हूँ।
देखते हैं कौन सी साउंड ज़्यादा ठीक रहेगी इसके अंदर। इतनी सारी साउंड सुनना तो बड़ा मुश्किल है, पर मैं इसका देखता हूँ यूज़ करके। इसके अंदर देखते हैं। ओके, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर 6 नंबर पे है ना, और 6 नंबर के अंदर हमने रिवर्ब लगा दिया था, तो रिवर्ब लगाने के कारण थोड़ा ज़्यादा हॉल जैसा हो गया था, तो मुझे हॉल नहीं चाहिए। अभी मैं इसे लगा के देखता हूँ। ऐसा करता हूँ पहले ये। इतना बेटर नहीं है। साउंड बदलते हैं, मुझे इतना ठीक सा नहीं लग रहा। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से ये अभी इतना सा ठीक लग रहा है। इसको भी यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ।
हिसाब से ये काफ़ी बेटर हो गया। और ये जो ब्रास हमने अभी यहाँ पे बनाया था, इसको भी मैं देख लेता हूँ अगर कुछ हो सके। इसको मैं थोड़ा सा बदल के देखता हूँ। अब ये जो चीज़ पीछे बज रही है ना, ये खासकर हुक लाइन के लिए बनानी पड़ती है। हुक लाइन जैसे टेस्ट की होगी वैसी, बाकी अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसे टाइप में बना सकता है, या जो मैंने पहले बनाई थी वो बना सकता है। दोनों हिसाब से ठीक चलती है, मतलब कि बस लिरिक्स बदलने पड़ते हैं थोड़े से, अगर कोई नेट की बीट सुन के अपना रैप को बना रहा है तो। अभी बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे इसको और फिनिशिंग देंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहना। और भी बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं इस एफएल स्टूडियो से रिलेटेड। होप इस वीडियो के अंदर आपको कई चीज़ें पता लगी होगी और कैसे कैसे साउंड को चूज़ करना पड़ता है। पर अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको नहीं अच्छी लगेगी वीडियो, क्योंकि आपको पिछला नहीं पता कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। और जो लोग पिछली वीडियो से जुड़े हुए हैं उन लोगों को समझ आ गया होगा। ये चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप मैं चेंज करता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, और उनको समझ भी आता जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ वाइज है। अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी।